वेलकम बैक स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। तो अब आश्रम में ऋषि आ गए हैं और उन्होंने भी राजा को क्या बोला कि आइए आराम कीजिए, यू लुक टायर्ड, थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए एंड फील कंफर्टेबल, मेक योर सेल्फ एट होम। हमने पढ़ा आराम महसूस कीजिए, फिर हम लोग खाना खाएंगे। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स। जो राजा थे उन्होंने ऋषि को दोनों चिड़ियों की कहानी बताई, एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। तो राजा ने बताया अपना एक्सपीरियंस, उन्हें दो बर्ड्स मिले थे राइट, तो उन्होंने वो चीज़ ऋषि को बताया, द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स। और उन्होंने बताया कि हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, और ये भी बताया कि कैसे, हाउ मीन्स कैसे, ईच हैड दोनों ने, बिहेव मीन्स व्यवहार करना किसी के साथ, आदत किस तरीके से आप किसी के साथ बिहेव, आपको ये बोला जाता है ना कि प्रॉपर बिहेवियर होना चाहिए राइट। सो उन्होंने बताया कि किस तरीके से ईच मीन्स एक एक, मतलब दोनों बर्ड्स ने किस तरीके से उनके साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार किया था, द जबकि दे लुक्ड सो अलाइक, जबकि वो दोनों एक जैसे ही दिखते। अलाइक मीन्स सेम, सिमिलर, लाइक जो बोलते हो ना सेम, वही लाइक या अलाइक सेम ही होता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, मतलब कि एक जैसा ही। तो ये राजा ने बताया कि दोनों जबकि एक जैसे ही दिखते थे लेकिन दोनों का जो बिहेवियर था क्या था, बहुत ही डिफरेंट था, ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली, लेकिन दोनों बिल्कुल ही अलग व्यवहार कर रहे थे। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सेड, वो बोले कि जो जंगल है इसमें बहुत सारे सरप्राइजिंग चीज़ें हैं, राजा ने बोला, क्योंकि वो आश्चर्य में थे, एक ही तरह की बर्ड्स थे, बाद में उन्हें पता भी लगा कि दोनों भाई हैं, तो एक गंदे तरीके से बात करता है, दूसरा अच्छा बात करता है राइट। तो ये बोले कि जंगल में काफ़ी सरप्राइज है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, होली मैन मीन्स पवित्र आदमी, पवित्र आदमी, हु इज़ दैट पवित्र आदमी, ऋषि, होली मीन्स पवित्र बोलते हैं ना, पवित्र गंगा, पवित्र नदी, समथिंग, तो दैट इज होली, होली मीन्स पवित्र, पायस ही सेड। अब जो ऋषि थे वो हंसे और उन्होंने कहा, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाई द कंपनी वन कीप्स, यही मैं बता रहा था, आफ्टर ऑल कहा भी गया है, ठीक है, आफ्टर ऑल मीन्स हमें पता ही है, वन इज़ नोन, एक आदमी जाना जाता है, बाय द कंपनी वन किप्स, यहाँ पे कंपनी का मतलब वो कंपनी नहीं जो बिजनेस करती है, वो वाली कंपनी नहीं, स्पेलिंग सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पे कंपनी का मीनिंग होता है क्या, फ्रेंडशिप, ग्रुप, किस तरीके के लोगों के साथ हम लोग रहते हैं, एसोसिएशन, फ्रेंडशिप, द ग्रुप ऑफ पीपल वी लिव विथ, किस तरह के लोगों के साथ दोस्ती है। तो एक आदमी जाना जाता है बाय द कंपनी, मतलब जिस तरह की दोस्ती वन कीप्स, कीप मतलब रखता है, एक आदमी रखता है, तो हमने सुना भी है पहले भी राइट, आदमी की पहचान ही होती है कि वो किस तरह की संगति में रहता है। लोग बोलते हैं ना आपके मम्मी पापा, इसके साथ रहो उसके साथ रहो राइट, तो वही चीज़ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है, आप ध्यान रखना, इस पर कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे आपको राइट। वही ऋषि बोल रहे हैं कि एक आदमी वैसा ही बनता है जिस तरह की संगति में वो रहता है। That bird has always heard the talk of robbers. वो जो चिड़िया थी जो गुफे के बात है, always heard, उसने हमेशा heard, सुना है, talk of robbers. उन्होंने उस हमेशा डाकू और गुंडों की बातें सुनी है। He imitates them. वो उनकी नकल करता है, imitate means नकल करना, ठीक है, and talks about robbing people. वो उन्हीं की बातें सुनता है, उन्हीं की नकल करता है, and talks about robbing, और लोगों को लूटने, robbing means लूटना, robbers लूटते हैं, तो रॉबर्स मीन्स डाकू, रॉब मीन्स लूटना, तो उनकी बातें सुनता है और उनको लूटने की बातें करता है वो। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और ये जो इनके साथ हो, दिस वन, ये जो है इसने वही चीज़ रिपीट किया है, बोला है व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, जो ये हमेशा सुनता है, क्या सुनता है, वो अच्छे आदमी के साथ है, ऋषि के साथ है, तो अच्छी बातें सुनता है, तो उसने अच्छी बातें की। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये लोगों का वेलकम करता है, कहाँ, आश्रम में राइट। तो उन्होंने बताया कि जो पहला बोर्ड जो उन्होंने मिला था उन्हें कहाँ पे, केव में, गुफे के पास, वो हमेशा रॉबर्स के साथ रहता है, तो उनकी ही बातें सुना और लोगों को लूटने की बातें करता है। ये जो उनके साथ रहता है ये वही किया उसने जो अच्छी बातें इसने सुनी थी। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, ये लोगों का आश्रम में वेलकम करता है, स्वागत करता है, क्योंकि ऋषि थे वो अच्छे आदमी थे।
नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आइए और आराम कीजिए। आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा इस जगह के बारे में एंड दीज बर्ड्स। सो दिस इज़ द स्टोरी गाइज, आई विल क्लोज इट हियर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।